वहीं नूरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने जब प्रदेश की चारों सीटों की घोषणाएं की थी तो उसी एक सप्ताह में प्रदेश कांग्रेस ने अपनी चारों सीटों के पैनल के नाम शीर्ष नेतृत्व को भेज चुकी थी, लेकिन जैसे ही भाजपा के प्रत्याशी घोषित हुए प्रदेश कांग्रेस दिल्ली में अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने पर रोक लगाने की मांग करने लग पड़ी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लोकसभा चुनावों के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं और वे इधर उधर प्रत्याशी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पता है कि वे चारों की चारों सीटें हार रही हैं, इसलिए हर कोई एक दूसरे को चुनाव मैदान में धकेलने की कोशिश कर रहा है। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जहां पिछली बार शांता कुमार को 2.25 लाख मतों से जिताया था, वहीं इस बार ये अंतराल 2 लाख से ऊपर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नूरपुर से 15,000 मतों से ज्यादा की बढ़त भाजपा प्रत्याशी को मिलनी चाहिए। हमारे हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें हमने 4 घोषित कर दी। किशन कपूर जी हमारे कांगड़ा चंबा से, मंडी से हमारे वर्तमान सांसद रामस्वरूप शर्मा जी, शिमला से हमारे जो है सुरेश कश्यप जी चुनाव लड़ेंगे और हमीरपुर से अनुराग ठाकुर लड़ेंगे। जब हमारे घोषणा की कांग्रेस ने हमसे 1 हफ्ते पहले दिल्ली के लिए अपना पैनल बना करके भेजा था, तुरंत दिल्ली फोन किया कि उसको रोक दीजिए, पैनल रोक दीजिए, नए जिले से बनाना पड़ेगा। हमें नहीं मालूम उनकी पार्टी का काम हो जाए, लेकिन जिस प्रकार से हमने जब पैनल यहां से घोषित किया, अपने कैंडिडेट घोषित किए, वो हैरान है, परेशान है। अब क्या किया जाए? हर रोज खबर लगती है, आज शाम को घोषित होगा, शाम को सूचना मिलती है, नहीं अभी 2 दिन और कर लिया, तय नहीं कर पा रहे, कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे इधर से कुछ उधर से। और कांग्रेस में तो सच्ची मायने में तो ये है कि वहां आजकल जो है हिमाचल प्रदेश में सबको मालूम हो गया कि 4 की 4 भाजपा जीतने वाली है, इसलिए कांग्रेस के लोग सिर्फ धक्का देने लगे हैं, एक दूसरे को धक्का जिनको दिया जा रहा है। बड़ा अंदाजा सच क्या ऐसी परिस्थिति पूरे देश भर में माहौल मोदी जी के नाम पर। आज से कुछ वक्त पहले कांग्रेस के नेता इस बात को कहने की कोशिश करते थे, कहते थे कि 2014 में इसलिए जीते क्योंकि मोदी जी के नाम की लहर थी। कहने के 4 सीटें हैं, आपकी बात 4 की 4, ये आप सबके लिए आप सबसे आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं। भाई किशन कपूर जी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पिछले 5 कर्म से हैं, अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं और आपके क्षेत्र में विकास के लिए आगे बढ़ाने के लिए जो आदरणीय श्री शांता कुमार जी ने कहा, यहां तक हमने योगदान दिया, आगे के योगदान के लिए किशन कपूर जी हैं, वो इस काम को आगे बढ़ाएंगे और उसके लिए बहुत आवश्यक है आदरणीय श्री शांता कुमार जी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त है। आप सबका आशीर्वाद देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से मैं महसूस करता हूं आपकी बात तमाम आज से पिछले रिकॉर्ड टूट करके 15,000 से ऊपर की बढ़त आपके विधानसभा के सब मैं समझूंगा कि आपका जोश तो है बरकरार और जोश बरकरार रखना है और उसके लिए आप सब काम करिए। जब आपका यहां पर 15,000 आंकड़ा पार होगा तो निश्चित रूप से किशन कपूर जी बहुत बड़े बहुमत के साथ दिल्ली पहुंचेंगे। आदरणीय श्री शांता कुमार जी 1,17,000 वोटों से पिछली बार जीते थे और अब की बार ये आंकड़ा 2 लाख से पार होना चाहिए, उसके लिए आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी शुभकामनाएं लेने के लिए यहाँ आए हैं। इससे पूर्व जसूर पहुंचने पर स्थानीय विधायक ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया और बाइक रैली के साथ खुली जीप में मुख्यमंत्री को लगभग 7 किलोमीटर दूर जनसभा स्थल पर लाया गया। इस रैली में सैकड़ों बाइक सवार शामिल हुए। नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया द्वारा हजारों की संख्या में एकत्रित जनसभा को देखकर मुख्यमंत्री और लोकसभा प्रत्याशी किशन कपूर भी गदगद हो गए। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार, शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी तथा कई अन्य नेता मौजूद रहे।